अब मैं एक ऑब्जेक्टिव बात करता हूं जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ने तो किससे सबूत मांग रहे हैं दिग्विजय सिंह सरकार से मांग रहे हैं कि मिलिट्री से मांग रहे रहे हैं हैं और वो कह यूएस की तरह सबूत देना चाहिए अभी यूएस ने पिछले साल अमन अल जवाहरी को मारा मैं पूछना चाहता हूं कितने यूएस के लोगों ने सबूत मांगा ओसामा बिन लादेन को मारा गया तो कितने लोगों ने यूएस में कहा कि ओसामा बिन लादेन की लाश क्यों नहीं दिखाई और पार्टियां बदलती रहती हैं आतंकवाद पे स्टैंड नहीं बदलता ओसामा बिन लादेन को खत्म करने का संकल्प लिया था जॉर्ज बुश ने जो रिपब्लिकन पार्टी का था और उसको खत्म किया बैराक हुसैन ओबामा ने जो डेमोक्रेटिक पार्टी का था सिर्फ हमारे ही यहां ये विचित्र सा काम होता और तो और मैं तो कहता हूं पाकिस्तान में देख लीजिए उनकी कश्मीर पे पॉलिसी कोई भी सरकार में रहे वो चाहे नवाज शरीफ रहे भुट्टो रहे इमरान खान रहे शाहबाज ये की रहती है हमारे ही यहां बदल जाती है अद्भुत है भाई हम आएंगे तो स्टैंड दूसरा और कांग्रेस आएगी तो स्टैंड दूसरा और मैं कहना चाहता हूं कि हाफिज सईद को तो दिग्विजय सिंह जी ने हाफिज साहब कहा था ना तो अपने साहब का बयान याद कर ले जिसने कहा था कि हम इनशाला बदला लेंगे सर्जिकल स्ट्राइक का और वो पुलवामा पे कहते हैं तो पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी जिनका वो फेमस बयान था कि पौआ पौआ भर के हमने बम बना के रखे हैं वो पौआ पौआ फेम वाले फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोला था कि हमने पुलवामा में घुस के मारा और इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली कि इन्होंने जो बालाकोट में किया था उससे ज्यादा खौफनाक हम कुछ करना चाहते हैं मगर दिग्विजय सिंह जी को कैसे साहब यानी हाफिज सईद नजर नहीं आते उन्हें आरएसएस नजर आता था आचार्य